नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। देश में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानून अब गुजरे वक्त की बात हो गई। जी हां, देश में आज यानी 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही देश के आपराधिक न्याय सिस्टम में बड़े बदलाव तो आएंगे ही, अंग्रेजों के शासन काल में बने कानूनों का भी खात्मा हो जाएगा। गुलामी के दिनों में बने भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर अब भारतीय दंड संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और नया भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होंगे, जिससे नए आपराधिक कानून लागू होते ही देश की न्याय प्रणाली में भी बदलाव आएगा। बता दें, आज से नए कानून के तहत केस भी दर्ज होने लगे हैं। आज नए कानून के तहत दिल्ली में पहला मामला भी दर्ज किया गया, धाराएं भी बदल गई हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब पुरानी धाराओं की जगह किन नई धाराओं ने ले ली है जगह और सजा में क्या कुछ बदलाव किया गया है। देश में आज से कानूनों में बड़े बदलाव हुए हैं। अंग्रेजों के समय में बने कानून को हटाकर अब देश में बने नए कानूनों को लागू कर दिया गया है, जिससे अब लोगों को न्याय मिलने की आस बढ़ गई है। सालों तक न्याय के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा और ना ही कोर्ट कचहरी के ज्यादा चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही अपनी FIR दर्ज कराने के लिए थाने जाना पड़ेगा। बता दें, नए कानून के मुताबिक आपराधिक मामलों में सुनवाई समाप्त होने के 45 दिनों के भीतर फैसला आएगा। पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। इसके साथ ही धाराओं में भी बदलाव किए गए हैं। नए कानून में छीना झपटी से जुड़े मामलों में BNS की धारा 302 के तहत केस दर्ज होगा। पहले IPC में धारा 302 में हत्या से जुड़े मामले का प्रावधान था। इसी तरह गैर कानूनी रूप से एकत्र होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 144 लगाई जाती थी, अब इसे धारा 187 कहा जाएगा। इसके अलावा हत्या, पहले 302 अब 103, हत्या की कोशिश, पहले 307 अब 109, गैर इरादतन हत्या, पहले 304 अब 105, लापरवाही से मौत, पहले 304A अब 106, रेप और गैंगरेप, पहले 375 और 376 अब 63, 64 और 70, देश के खिलाफ युद्ध, पहले 121, 121A अब 147 और 148, मानहानि, पहले 499, 500 अब 356, छेड़छाड़, पहले 354 अब 74, दहेज हत्या, पहले 304B अब 80, दहेज प्रताड़ना, पहले 498A अब 85, चोरी, पहले 379 अब 303, लूट, पहले 392 अब 309, डकैती, पहले 395 अब 310, देशद्रोह, पहले 124 अब 152, धोखाधड़ी या ठगी, पहले 420 अब 318, गैर कानूनी सभा, पहले 144 अब 187। वहीं अब नाबालिग के साथ सामूहिक बलात्कार के लिए मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। नए कानून में अब उन मामलों के लिए सजा का प्रावधान शामिल है जिसके तहत महिलाओं को शादी का झूठा वादा करके या गुमराह करके छोड़ दिया जाता है। वहीं IPC में मॉब लीचिंग का जिक्र नहीं था, अब इस अपराध के लिए उम्र कैद से लेकर मौत तक की सजा हो सकती है। देखा जाए तो अब ये एक स्थायी कानून बन गया है। नए कानून के तहत पहली बार ऐसा प्रावधान किया गया है जिसमें आरोपियों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी और पीड़ितों को समय से न्याय मिल सकेगा, जिससे उनका विश्वास देश के कानून पर बना रहेगा। साथ ही साथ आरोपियों पर भी शिकंजा कसेगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।